तारीख बताने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, 21 अक्टूबर विधानसभा का चुनाव है, मीरा भयंदर असेंबली, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस राष्ट्रवादी अलायंस की तरफ से कैंडिडेट हूँ। आप सब लोग तो काफ़ी नए शहर में हो, मेरे ख्याल से 5-10 साल के अंदर की ही बाशिंदे हो। मेरे बारे में और मुझे पता नहीं आप लोग कितना जानते हो, मगर मेरी पैदाइश यहीं थी, हम ओरिजिनल यहीं के हैं, और इस मैनिफेस्टो के ज़रिए आपको 30-35 साल का एक सफ़र हमारा जो है आपको दिख जाएगा, और अगले 5 साल में हम क्या करना चाहते हैं वो भी आपको दिखेगा। प्रामुख्य से ये शहर में जो भ्रष्टाचार और अन्याय की बातें शायद आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, उसके खिलाफ की ये लड़ाई मैं लीड कर रहा हूँ। मैं 3 बार कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ, 1 बार डिप्टी मेयर रहा हूँ, विधान परिषद महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैं 9 साल MLC रहा हूँ अपर हाउस में, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से यू कैन सी इट ऑन द वेरी फर्स्ट पेज इनसाइड दैट आई हैव बीन अवार्डेड द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बेस्ट स्पीकर अवार्ड, और ये अवार्ड ऐसे उठ के कुछ भी बोलने से नहीं मिलते, यू हैव टू टॉक ऑन द इश्यूज एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड एंड विद प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स फिगर्स, एंड यू कांट स्पीक ऑन द सब्जेक्ट एंड दिस थिंग्स अनलेस एंड अंटिल यू आर अवेयर अबाउट इट। तो क्योंकि मैंने 1985 में अपना करियर शुरू किया, उसको भी डिटेल सारी है उसमें, आई वॉज जस्ट 19, आई वॉज ग्रेट मीरा रोड यूथ कांग्रेस वार्ड प्रेसिडेंट। दैट टाइम 85 में मीरा रोड की लोक बस्ती सिर्फ 11,000 थी, कितनी 11,000 एलनी। उसके बाद 91 में मैं कॉरपोरेटर पहली बार बना, फिर 96 में बना, फिर 2002 में बना, फिर लंबा सफ़र रहा, और 9 साल MLC रहा, पार्टी का मैं स्टेट यूथ कांग्रेस का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट रहा, AICC दिल्ली का मैं 2 साल इंचार्ज था, UP का राहुल गांधी के साथ पूरा वहाँ रहा, 14 साल प्रदेश का स्पोक्स पर्सन, मीडिया पर्सन, जनरल सेक्रेटरी, एंड नाउ आई एम स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग इनिंग एंड आई हैव नो इंटेंशन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, क्योंकि मैं अभी 3 साल काफ़ी सीरियस स्पाइन सर्जरी में, 3 स्पाइन सर्जरीज एंड 18 मंथ्स आई वॉज बेड रिटन, 18 लॉन्ग मंथ्स। लेकिन जैसे लोग मुझे मिलते रहे पूरे शहर में, सब बताते रहे कि शहर में काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है, हर आदमी परेशान है, तो इसे रोकना होगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो इसलिए मैं मैदान में आया हूँ, और साथ में अपना प्रोग्राम लाया। हमने शहर में पहले 2 ट्रैक थी, 9 डब्बे ट्रेन थी, उसे 12 की 4 ट्रैक बनाए, मीरा रोड लोकल अभी मुझे शुरू करना है, जो पिछले 10-15-20 सालों से हम उसका प्रयास कर रहे हैं, बोरीवली से विरार तक के 6 ट्रैक करना है, मीरा रोड लोकल स्टार्ट करनी है, भयंदर लोकल महिला बढ़ानी है, लोकल्स बढ़ानी है, गार्बेज टैक्स जो आपके डबल लगा है उसे हटाना है, गब्बर सिंह टैक्स टॉल हटाने का वायदा जो BJP सेना का था 5 साल में, हम एंट्री पॉइंट से टॉल हटा देंगे, नहीं हटा है, उसे हटाना है, सब में बड़ी परेशानी हर एक के लिए है, पानी कम है, बिल डबल हो गया है, 7 रुपये से 14 रुपया हो गया, 2014 तक हम लोग सत्ता में थे, अब वो इतना बढ़ा दिया गया है, कचरे का टैक्स आपके डबल लगा है, और बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी है, कोर्ट हमने जितना बना के 2014 में छोड़ा था वो इसी पड़ा है, नई चीज़ शहर में कोई आपको बनती नज़र नहीं आती, स्मशान भूमि, कब्रस्तान, बरेल ग्राउंड, जॉगर्स पार्क, ये मैंने अपने पर्सनल पैसे उसे 2000 में 6 करोड़ रुपीज़ आई स्पेंड फ्रॉम माई ओन पॉकेट, नॉट एन MLC फंड, मैं MLC 2004 में बनाऊँ, और उसको 20 साल तक हमने मेंटेन भी किया, अब ये सत्ता में बहुमत आ गए तो इन्होंने स्मशान का मेंटेनेंस हमारा निकाल दिया, नाम निकाल दिया, फलक निकाल दिया, नाम बदल दिया, हमने कहा लोगों के जो दिल में है तुम कहीं से भी नाम निकाल दो क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है ये मैंने बनाया अपने MLC फंड से बनाया, 7 डायलिसिस मशीन उसमें हमने लगाई, 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी हमने बनाई, उस लाइब्रेरी को 10,000 लाइब्रेरी को इन्होंने बंद कर दिया, वहाँ पे म्युनिसिपल ऑफिस चालू कर, राजीव गांधी ब्लड बैंक हमने बनाया, पूरे मीरा भयंदर में एक ही ब्लड बैंक है, दैट इज़ द वन, मॉर्ग रूम बनाया। तो फ्रॉम दिस मैनिफेस्टो यू विल फाइंड
आपको दिखेगा सारे काम जो हमने पहले किए हुए हैं, आपको मेरे वेबसाइट पे भी दिखेगा, आपको सोशल मीडिया पे भी दिखेगा, ट्विटर पे दिखेगा, ऑन ऑल माय पेजेस एंड अकाउंट यू कैन फाइंड इट। आज तक हम बंद मुट्ठी रख के काम करते थे, मगर अब कैसा है कहा हुआ कि जो दिखता है वो बिकता है, जिसने कुछ नहीं किया उसे गर्व हो गया है। उसने लोगों का जीना हराम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, महापालिका को 750 करोड़ रुपए के कर्जे में डाल दिया है 5 साल में, उसे गर्व हो गया है। 20 माले की बिल्डिंग में कोई महिला रहती है, उसके घर में गैस की पाइपलाइन गई हुई है बिल्डिंग बनने के वक्त ही, फिर वो बोलती है मेरे घर में मैं लकड़ी फूंकती थी तो मुझे गर्व। मेट्रो तो आई नहीं, 8 बार मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, फाउंडेशन डाला, अब इलेक्शन आया तो पत्रे लग गए। आपके नाके के ऊपर एक आदमी का फोटो लगा है, वो आदमी रहता है पार्ला में, क्रिश्चियन आदमी, मगर उसको मीरा भाईंदर की मेट्रो चालू हो गई, उसका गर्व है। तो ऐसे गर्व करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आप लोगों के सामने है। तो मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 30-35 साल का हमारा, हमारे फैमिली का है, जिसके ऊपर 1 रुपये का दाग कहीं पर नहीं। एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन, एवरीथिंग इज ओपन। मेरी मदर भी जो है अभी भी कॉरपोरेटर है, डिप्टी मेयर, जब मैंने छोड़ा उसके बाद वो बनी। तो कहीं भी ना हम पर, ना मदर पे, ना परिवार पे किसी को कोई तकलीफ देना, भ्रष्टाचार करना, सताना, ज़मीन हड़पना, ना 7/11 का बोर्ड लगाना, ना मैंग्रोव नष्ट करना, ना वेटलैंड्स को बुझाना, कहीं पर भी इतने लंबे टेन्योर में। ये पूजा भाभी है हमारे साथ में, आज मैं समझता हूँ 32 साल से, लास्ट 32 ईयर्स, ठीक है, ऐसा कई पॉलिटिक्स में पढ़ती नहीं है। लेकिन अभी हम जब चुनाव लड़ने की बात आई है, तो 6 महीना पहले जब मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया था 10,000 फैमिली से शहर में, जिनको हम कई सालों से जानते हैं, पिछले दिवाली से लेकर तो मार्च तक, तो हर एक ने कहा था कि सर आपको लड़ना चाहिए। तो मैंने पूछा था कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, देश के अंदर एक माहौल अभी अलग बना हुआ, हमने तो यहाँ मंदिर भी बनाए, मस्जिद भी बनाए, गुरुद्वारा भी बनाए, चर्च भी बनाए, और हम सब जगह जाते भी, क्योंकि धर्म कोई मान के पैदा नहीं होता है, वो ईश्वर जिसके घर में जिसको बना दिया, पैदा कर दिया, वो अपने धर्म का पालन करो लेकिन दूसरे धर्म की इज्जत करो। तो सर्वधर्म स्वभाव, बातें और भाषण ही हमने नहीं किया है, हमने उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाया, और यही वजह थी कि हमने स्मशान, कब्रस्तान, बरेल ग्राउंड एक साथ था। और आपको उससे भी आगे जाके एक मालूम कर दूँ कि पूरे शहर का डेवलपमेंट प्लान मैंने तैयार किया 97 में, जब मैं 91 में कॉरपोरेटर बना, मैं प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बना 91, एट द एज ऑफ 27 आई वॉज प्लानिंग कमेटी चेयरमैन। मैंने 386 रिजर्वेशंस बनाए, जिसमें गार्डन, प्लेग्राउंड, स्कूल, म्युनिसिपल हॉस्पिटल से लेके तो एवरीथिंग, जो आज आपको शहर में जो भी रिजर्वेशंस कुछ दिख रहे हैं, दैट वाज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मी। 40% रिजर्वेशन हमने करा, और पिछले 5 साल में 60 रिजर्वेशंस हैव बीन चेंज्ड एंड दे हैड बीन कमर्शलाइज्ड। स्कूल रिजर्वेशंस हैज बीन चेंज्ड, गार्डन रिजर्वेशन हैज बीन चेंज्ड, प्लेग्राउंड रिजर्वेशन हैज बीन टेकन आउट, हॉस्पिटल रिजर्वेशंस हैज बीन कैंसल्ड, 60 इन जस्ट 5 ईयर्स टाइम। तो ये एक एट्रोसिटी है शहर के ऊपर, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना है, तो आप लोगों की साथ चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमें साथ देंगे आने वाले 21 तारीख को। फिर से शायद आप लोगों के पास आने का मौका नहीं मिलेगा, वो अब कल आने वाले थे लेकिन बरसात गिर गई, लेकिन फिर भी मैं रात में 11 बजे यहाँ महाड़ा के अंदर सोसाइटी में आके गया। पूजा भाभी बोले आज कम लोग रहेंगे, मैंने कहा जंगे जो जीती जाती है ना चंद लोगों से जीती जाती है, बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं होती। तो आप लोगों से विनती है 21 तारीख को हमारा साथ दें, ये शहर को बचाने के लिए, इस शहर के भविष्य को बचाने के लिए।